करोना संक्रमणेर द्वितीय ढेउ प्राय शेषेर दिके तृतीय ढेउ दाड़िये दरजाय एई मतो अवस्थाय प्रत्येकटी दिन प्रत्येकटी मुहूर्त काटछे आमादेर आतंकेर साथे। तार उपर आमादेर देशेर जनघनत्व, एई जनघनत्वेर कारणेई आमादेर देश भारतवर्षे एई संक्रमणेर हार सबथेके बेशी, एटा आमरा सबाई जानी। एई कोविड-19 भाइरासटी कार्यत आमादेर फुसफुसके संक्रमित करे फुसफुसके बिकल करे देय। आमरा जखन निश्वास नहीं नाकेर भीतर दिए कोविड-19 भाइरासटी आमादेर श्वासतंत्रे प्रवेश करे एबं सेटी जखन गिये मुख्य श्वासनालीते अर्थात आमादेर ट्रैकियाते गिये हाजिर हय सेखान थेके से इनफेक्शन स्टार्ट करे। आमादेर ट्रैकियाटी जखन इनफेक्टेड हये जाय सेटी फुले जाय एबं तार लक्षण स्वरूप गाये गुसगुसे ज्वर, गलाय व्यथा एई समस्त लक्षणगुली देखते पावा जाय, जेगुली करोना संक्रमणेर प्राथमिक लक्षण। आमादेर फुसफुसेर भेतरे असंख्य छोट्ट छोट्ट एयार सैक्स रयेछे जेगुलिके आमरा अलभिउलास बोली। एई कोविड-19 भाइरासटी धीरे धीरे प्रत्येकटी अलभिउलासेर भेतरे ढुके अलभिउलासेर मुखगुलिके ब्लक करे देय। आबार प्रत्येकटी अलभिउलासेर चारिदिके असंख्य सूक्ष्म सूक्ष्म ब्लाड भेसेल्स रयेछे जेगुलिके आमरा कैपिलारिज बोली। कैपिलारिजगुली तखन जमाट बांधते शुरू करे और एई कैपिलारिजगुली जखन जमाट बांधते शुरू करे तखनई घटे विपत्ति, तखनी पेशेंटर देखा दे श्वाসকষ্ট। आमरा बाड़ीते बसे सम्पूर्ण घरोया पद्धतिते यदि किछु ब्रिदिंग एक्सारसाइज बा श्वासयंत्रेर ब्यायाम करते पारी ताहले आमरा आमादेर फुसफुसके एई समस्त समस्या थेके अनेकखानी रेहाई दिते पारबो। बा धरुन जे समस्त पेशेंटरा कोविड-19 भाइरासेर साथे लड़ाई करे दुर्बल फुसफुस निये हस्पिटाल थेके बाड़ी फिरेछेन, तारपरे बुके व्यथा, श्वाসকষ্ট, गाये गुसगुसे ज्वर ये समस्त लक्षणगुली थेके जाए। एगुली एक्चुअल पोस्ट कोविड रेसिडुअल निउमोनियार लक्षण। ये समस्त लक्षणगुली देखे तारा भय पेये आबार डाक्तार बाबुर काछे छूटे जान। डाक्तार बाबू तादेर ट्रिटमेंट स्वरूप प्रथमे सिम्पटोमेटिक ट्रिटमेंट एबं तारपरे ब्रिदिंग एक्सारसाइज काउन्सिलिंगई करते देन। नमस्कार, आमी कृष्णार्जुन मुखार्जी, हेल्थक्रिप्शने आपनादेरके अनेक अनेक स्वागत। आज आपनादेरके तेमोनी पाँचटी श्वासयंत्रेर ब्यायाम बा ब्रिदिंग एक्सारसाइज देखाबो। तो चलुन शुरू करा जाक। आमरा प्रथमे जे एक्सारसाइजटी आपनादेरके देखाबो सेई एक्सारसाइजटी हलो होल्डिंग ब्रेथ एक्सारसाइज। एई होल्डिंग ब्रेथ एक्सारसाइज नामटी शुनेई आशा करी आपनारा बुझेछेन एक्सारसाइजटी केमन हबे। होल्डिंग ब्रेथ माने ब्रेथटिके होल्ड करे राखा बा श्वासटिके आटके राखा। आमरा श्वास केमन भावे नेबो, कतक्षण धरे श्वासटा भेतरे आटके राखबो, केमन भावे श्वास छाड़बो, पुरो नियमटाई आपनादेरके सहजे बोझानोर चेष्टा करब। आमरा नाक दिए लम्बा श्वास नेब, ततक्षण पर्यन्त श्वास नेब जतक्षण पर्यन्त आमरा नाक दिए श्वास निते पारी। तारपर आमरा श्वासटिके भेतरे होल्ड करे राखबो बा आटके राखबो, ततक्षण पर्यन्त आटके राखबो जतक्षण पर्यन्त आमरा श्वासटिके भेतरे आटके राखते पारी, तार थेकेओ 2-4 सेकेंड बेशी आटके राखार चेष्टा करब। तारपर आमरा गरम खाबारे जेमन फूँ दिई तेमन भावे फूँ देওয়ার मतन करे मुख दिए आमरा श्वासटी छाड़ब। देखुन एइभावे এই एक्सारसाइजटी सकाल बेला 5 থেকে 10 सेट और सन्धे बेला 5 থেকে 10 सेट करार चेष्टा करब। एखन आसा जाक 2 নম্বর एक्सारसाइजे। आमरा 2 নম্বর जे एक्सारसाइजटी करब से एक्सारसाइजटी हलो पार्ट स्लिप ब्रिदिंग एक्सारसाइज। ये पार्ट स्लिप ब्रिदिंग एक्सारसाइजटी एबं होल्डिंग ब्रेथ एक्सारसाइजटी दुटोर मध्य पार्थक्य एक जायगाते आमरा एखाने ब्रेथटाके बा श्वासटाके होल्ड करे राखब ना, नाक दिए लम्बा श्वास नेब एबं मुख दिए फूँ देওয়ার मतन करे श्वासटी छाड़ब। देखुन एइभावे এইভাবে सकाल बेला 5 থেকে 10 सेट और सन्धे बेला 5 থেকে 10 सेट करार चेष्टा करब। ये एक्सारसाइजटी करले आमादेर लांगसर अक्सिजेनेशन बाड़े, अक्सिजेन कैपासिटी बाड़े और पोस्ट कोविड पेशेंटदेर क्षेत्रे लांगसे किछु पैचेस देखते पावा जाए, से पैचेसगुली इम्प्रूव हो जाए। एबार आसा जाक 3 নম্বর एक्सारसाइजे। 3 নম্বর एक्सारसाइजटी हलो बेलुन ब्लोइंग एक्सारसाइज। ये एक्सरसाइजटीते आमरा नर्माल एक बेलुन नेब, बेलुन निये आमरा नाक दिए लम्बा श्वास टानबो एबं बेलुनेर ओपेनिंग पोर्शनटा मुखेर मध्य धरे एक धक्काते बेलुनटी फोलानोर चेष्टा करब। आमरा खेयाल राखबो आजके जतोटा फोलाते पारबो कालके तार थेके फोलानोटा बेशी करार चेष्टा करबो। एइभावे दिने दिन एटिके ग्र्याजुअली बाड़ानोर चेष्टा करबो। देखुन एइभावे ये एक्सरसाइजटीओ सकाल बेला 5 থেকে 10 सेट और सन्धे बेला 5 থেকে 10 सेट करार चेष्टा करब। आमरा 4 নম্বর जो ब्रिदिंग एक्सरसाइजटी करब, ये एक्सरसाइजटर माध्यमे आमादेर रेस्पिरेटरि सिस्टेमेर जेटी प्राइमारि मासेल डायाफ्राम, ये डायाफ्रामटीके अनेक बेशी शक्तिशाली करे देय। आमरा जखन निश्वास निई तखन आमादेर एई डायाफ्राम मासेलटी नीचेर दिके प्रेसार देय, अर्थात अ্যাবডোমিনের दिके प्रेसार देय। एटी অ্যাবডোমিনের दिके प्रेसार देওয়ার साथे साथे आमादेर थोरासिक कैविटीटा एक्सपांड करे। आबार जखन आमरा श्वास छेड़े दिई तखन एई डायाफ्रामटी आमादेर चेस्टेर दिके प्रेसार देय एबं आमादेर थोरासिक कैविटीटी तखन रिलैक्स हये जाय। एर फले आमरा श्वास प्रश्वास निते अनेक बेशी आराम बोध करी। देखुन एइभाবে এই এক্সারসাইজটি করার সময় আমরা চেস্টে একটি হাত দেব এবং অ্যাবডোমেনে একটি হাত দেব। খেয়াল রাখবো যাতে আমাদের চেস্টের থেকে অ্যাবডোমেন বেশি মুভমেন্ট করে, কখনোই অ্যাবডোমেনের থেকে চেস্ট বেশি মুভমেন্ট করবে না। এবং এই এক্সারসাইজটি 3, 4, 5 সিস্টেমে করব। মনে রাখবেন 3 সেকেন্ড আমরা শ্বাস নেব, 4 সেকেন্ড ধরে শ্বাসটি ভেতরে আটকে রাখব এবং 5 সেকেন্ড লম্বা সময় ধরে পার্স লিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজের মতন আমরা শ্বাসটি ছাড়ব। দেখুন এইভাবে। আপনারা যদি চান তাহলে মনে মনে কাউন্টিংও করতে পারেন। আর আমরা যে এক্সারসাইজটি করব সেই এক্সারসাইজটি হলো থোরাসিক এক্সপানশন এক্সারসাইজ। এই এক্সারসাইজটির মাধ্যমে আমাদের থোরাসিক ক্যাভিটি এক্সপান্ড হয় এবং থোরাসিক ক্যাভিটি যখন এক্সপান্ড হয় তখন আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এই এক্সারসাইজটি করার সিস্টেম হলো আমরা নাক দিয়ে লম্বা শ্বাস টানব। শ্বাসটি যখন টানব তখন আমাদের 2 হাত উপর দিকে তুলে আমরা মাথার 2 পাশে হাত দুটি ধরব। আবার যখন শ্বাস ছাড়ব তখন 2 সাইড দিয়ে আস্তে আস্তে হাত দুটি আমরা রিল্যাক্স পজিশনে নিয়ে আসব। দেখুন এইভাবে। এই সমস্ত এক্সারসাইজগুলি শুধুমাত্র প্রি কোভিড বা পোস্ট কোভিড পেশেন্টদের ক্ষেত্রে নয়, এছাড়াও যারা শ্বাসযন্ত্রের বিভিন্ন প্রকার পুরনো রোগে ভুগছেন, যেমন ক্রনিক অ্যাস্থেমা, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ বা মেটাস্টেসিস লাং ডিজিজ, সেই সমস্ত পেশেন্টরাও বাড়িতে বসে এই এক্সারসাইজগুলি অতি সহজে করতে পারবেন। তবে আমার পরামর্শ যারা মেটাস্টেসিস লাং ডিজিজে ভুগছেন তারা যে ডাক্তারবাবুর আন্ডারে ট্রিটমেন্টে রয়েছেন সেই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে নেওয়াটা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং আপনাদের মতামত নিচের কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না। আর আপনাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে এই ভিডিওটি অনেক বেশি শেয়ার করুন যাতে এই অ্যাওয়ারনেস অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।